हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, सिंपल एंड यूनिक किचन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है शालिनी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए सबकी पसंद दाल मखनी की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको आप नान के साथ, मिस्सी रोटी के साथ, सिंपल रोटी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये बनाने में बहुत सिंपल, अगर आप हमारे स्टाइल से बनाएंगे इस दाल को तो आपको ये जरूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दाल मखनी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने 1.5 बाउल साबुत दाल ली है और 1/4 बाउल राजमा ली है। इसे हमने 6 से 7 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा था। अब हमने इसका पानी निकाल दिया और इन्हें अलग कर लिया है। 1.5 बाउल साबुत उड़द और 1/4 बाउल राजमा 6-7 घंटे के लिए। अब हम एक कुकर लेते हैं, इसमें इस दाल और राजमा को डाल देते हैं और थोड़ा अभी हम इसमें पानी भी डाल देते हैं, इतना कि राजमा और दाल अच्छे से हमारे पानी में डिप हो जाए बिल्कुल। इसके बाद इसमें अब हम डालते हैं स्वाद के अनुसार नमक, और नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा मिक्स हो गया है। अब कुकर का ढक्कन हम लगा देते हैं और इसे ले जाके हम गैस पे रख देते हैं। अब हम इसमें 4 सीटी आने देते हैं। 4 सीटी आने के बाद हम गैस को सिम कर देते हैं और 2 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। जैसे ही हमारी सीटी भर जाए तो हम गैस बंद कर देते हैं और सीटी निकलने के बाद कुकर को खोल कर देते हैं। 4 सीटी लेनी है, फिर 2 मिनट सिम गैस पे इसे पकाना है, फिर गैस बंद करने के बाद इसकी सीटी निकलने के बाद कुकर खोलना है। ये देखिए हमारी राजमा और दाल बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं, मैश हो गए हैं, मतलब तैयार हो गए हैं। अब हम एक कढ़ाई गैस पे रखते हैं। इसमें हम 1 स्पून देसी घी, जी हाँ हमें देसी घी डालना होता है, इससे ही हमारा अच्छा टेस्ट आता है। ये हमने काली मिर्च, लौंग और एक बड़ी इलायची ली है। सबसे पहले हम बड़ी इलायची को कूटते हैं और इसके जो दाने हैं वो निकाल लेते हैं और छिलके को अलग कर देते हैं। और फिर इसमें ही हम लौंग और काली मिर्च डालते हैं और इसे हम दरदरा कूट लेते हैं। ऐसे दरदरे मसाले डालने से ये दाल मखनी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। होटल की स्टाइल की सब्जी बना रहे हैं हम, दाल बना रहे हैं, ऐसे ही बनाई जाती है। इसमें अब हम 1 स्पून जीरा डाल देते हैं और ये जो खड़े मसाले जो हमने कूट के मसाले रखे हैं वो इसमें हम डाल देते हैं। कद्दूकस की हुई अदरक इसमें हम डाल देते हैं और थोड़ी सी 1 पिंच हींग डाल देते हैं और इन सबको हम अच्छी तरीके से भूनते हैं। अभी आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, हमने इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट डाला है जो होटल्स में डलता है, जिसकी वजह से दाल मखनी उधर की कुछ ज़्यादा ही स्पेशल लगती है, जो खा के सभी को मज़ा आ जाता है। इसको हमने खूब अच्छी तरीके से भून लिया है। ये हमारे भून के तैयार हो गए, जैसे आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से हमने इसे भून के तैयार कर लिया है। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देते हैं। ये हमने टमाटर का पेस्ट लिया है, ये इसमें हमने इसमें डाल दिया है और इसको भी हम खूब अच्छी तरीके से भून लेते हैं। अच्छे से इसको चलाते जाते हैं। हमें इसे इतना भूनना होता है कि इसमें से हल्का सा घी अलग दिखाई देने लगे, तब तक हमें इसे भूनते रहना है। इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं और ये हमने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है, और धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद भी इसे खूब अच्छी तरीके से हम चलाते रहते हैं और भूनते रहते हैं। ये हमने बिल्कुल भून के अच्छी तरीके से इसे तैयार कर लिया है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं एकदम अच्छी तरीके से, इसमें से आप देख रहे हैं कि घी भी अलग दिखाई देने लग रहा है। थोड़ा सा और अभी हम इसे भून लेते हैं। भुन गया है ये बिल्कुल हमारा। अब हम क्या करते हैं, इसमें अब हम डालते हैं ये जो दाल हमने बॉईल करके रखी है वो इसमें हम दाल और राजमा को डाल देते हैं और इसे खूब अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं, अच्छे से चलाते हैं और इसे मिक्स करते हैं, ताकि टमाटर की प्यूरी जो हमने तैयार की थी और ये दाल सब अच्छी तरीके से हमारी मिक्स हो जाए। ये सब चीज़ हमने मिक्स कर लिया। इसमें अब हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, जैसे कि हमने ये टमाटर के बाउल का पानी ही धो के इसमें डाल दिया है, क्योंकि अभी हमें दाल गाढ़ी लग रही थी इसलिए हमने इसमें थोड़ा पानी और डाला है। और गाढ़ी पतली आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। अगर अभी भी आपको गाढ़ी लग रही है तो और पानी डाल दीजिए, पतली लग रही है तो रहने दीजिए। और इसको खूब अच्छी तरीके से हम बॉईल करते हैं, उबाल लेते हैं, इसमें खदका लेते हैं। इसमें एंड में हम डालते हैं अभी गरम मसाला। अभी तो इसमें हमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट डालना है, इस वीडियो को भी आप देखते रह जाइए। इसे गरम मसाले को डालने के बाद इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे अब हम 2 मिनट के लिए ढक कर सिम गैस पे, मीडियम गैस पे इसे थोड़ा सा खदकाते हैं, ताकि ये एकदम अच्छी तरीके से सारे मसाले वगैरह इसमें दाल में अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्लेवर बहुत अच्छा बन के आता है ऐसे करने से।
ये देखिए हमारी कितनी अच्छी ये दाल मखनी बनके आई है। ऐसे आप नान, मिसी, रोटी, लच्छा, पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे नीचे उतार के रख लेंगे कढ़ाई को। एक पैन या फिर आप एक छौकदानी गैस पे रखिए। इसमें अब हम एंड में डालते हैं बटर, बटर डालते हैं, बटर को गर्म करते हैं। ये हमारा एक और अच्छी चीज़ है जो हमें इसमें डालनी चाहिए। और अभी एक स्पेशल मेन इंग्रेडिएंट और रह गया डालने को। बटर के बाद इसमें हम थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं, मतलब बटर गर्म जब हमारा अच्छे से हो जाए। गैस बंद करने के बाद कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं और इस छौंक को दाल मखनी के ऊपर डाल देते हैं और इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करते हैं। अच्छे से मिक्स कर लिया है, अभी हमें एक और सामग्री इसमें डालनी है। ये मिक्स हो गया है, अब हम इसमें डालते हैं हमारी जो मेन सामग्री है वो है इलायची पाउडर। जी हाँ, इलायची पाउडर की खुशबू जब दाल मखनी में डलती है तो वो बहुत ही अच्छी लगती है, इसका फ्लेवर बहुत ही अलग आता है। होटल में सभी ऐसे डालते हैं जिसकी वजह से उनकी दाल का एक अलग ही टेस्ट होता है, एक अलग ही फ्लेवर होता है। इलायची पाउडर डालने के बाद इसे खूब अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देते हैं और एंड में हम इसमें डाल देते हैं धनिया पत्ती। और इसे धनिया पत्ती डालने के बाद मिक्स करते हैं और हमारी ये दाल मखनी, होटल जैसी दाल मखनी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। और एंड में इसके ऊपर हम क्रीम डाल देते हैं, अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप मलाई भी इसमें डाल सकते हैं। और हमारी ये दाल मखनी तैयार है, इसे सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, ये दाल मखनी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।